स्वागत है आपका एक बार फिर ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और अब आपके सवालों के जवाब तो चल रहे हैं, लेकिन बारी है एक खास कंपनी पे नजर डालने की, और वो स्टॉक है इंडिया मार्ट इंटरमेश। बहुत ही शानदार मूव देने वाले स्टॉक्स की फेहरिस्त में ये शामिल है, लेकिन आज नतीजों के बाद आप देखिए ये स्टॉक थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ है, 8% के नुकसान के साथ ट्रेड कर रहा है। डॉक्टर साहब, इसका जरा एक साल का चार्ट लेकर आएगा, जो हम बात कर रहे थे कि एक बहुत ही जबरदस्त आउट परफॉर्मिंग शेयर नतीजों के बाद कमजोर, तो नतीजों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। चौथी तिमाही का मुनाफा देखिए 26% बढ़ा है, आय 6% बढ़ी है। तो आप बात करते हैं नतीजे और आउटलुक पर, हमारे साथ कंपनी के CEO दिनेश अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं देख रहा हूं आपका जो EBITDA है, ऑपरेटिंग मुनाफा, वहां पे तो 52 करोड़ से 85 करोड़, यानी तगड़ा मूव है, करीबन 60-65% का, लेकिन मुनाफे में इस हद तक बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। जरा आपने नतीजे समझाइए, बीच में कोई एडजस्टमेंट प्रोविजंस क्या कुछ है? जी, ऐसा है कि अगर आप देखें हमारा कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, तो जो हमारा मेन टॉप लाइन नंबर होता है, रेवेन्यू को जो गाइड करता है, वो करीब 272 करोड़ रहा है इस क्वार्टर, जो कि जनरली क्वार्टर फोर हमारे लिए काफी अच्छा होता है। हालांकि पिछले साल क्वार्टर फोर में मार्च में काफी वॉश आउट हो गया था, तो फिर भी 272 करोड़ के हिसाब से 32% की करीब ग्रोथ है वहां पे। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसा मैंने पहले भी बताया, हमारा डेफर्ड रेवेन्यू से आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो मोर लाइक मूविंग एवरेज होता है 18-20 महीने का। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसलिए अगर आप देखें तो स्टेबल 5-6% से बढ़ रहा है। और EBITDA मार्जिन की जहां तक बात है, जैसे मैंने पहले भी बताया, पैंडेमिक के पहले हमारा EBITDA मार्जिन 25-30% के बीच में होता था, जो कि कॉस्ट कम करने की वजह से और कुछ ऑटोमेशन करने की वजह से, कुछ टेम्पररी और परमानेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर की वजह से वो 48-50% पहुंच गया था। जबकि मैंने पहले भी गाइड किया कि धीरे धीरे हम सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं, लोगों को हायरिंग भी कर रहे हैं, तो आने वाले समय में शायद ये 35-40% के बीच में कहीं जाके बैठेगा ऑपरेटिंग मार्जिन। हालांकि मार्च क्वार्टर में क्योंकि कॉस्ट हमारी थोड़ी ज्यादा होती है और रेवेन्यू किसी पीछे से आता है, इसलिए आपको EBITDA मार्जिन अभी थोड़ा कम दिखता है। ओके, लेकिन इस क्वार्टर की Q1 की क्या स्थिति है, वहां पे क्या कलेक्शन कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि पैंडेमिक का असर देखिए हर तरफ देखने को मिल रहा है? जी, बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है हम सभी के लिए, पूरी कंट्री के लिए, SMEs के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, बहुत सारे हमारे एम्प्लॉयज और उनके फैमिली वाले इससे परेशान हैं। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में या जो करंट महीना चल रहा है उसमें भी काफ़ी सब्ड्यूड एनवायरनमेंट है। इस वक्त प्रायोरिटी लोगों की सेफ्टी और रेस्क्यू ऑपरेशन की है, ना कि रेवेन्यू या कलेक्शन की। तो वी कैन से कि जैसा पिछले साल पहले क्वार्टर में, साहब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, हम हमेशा ऐसी कंपनीज की बात करते हैं जो इस तरह के मुश्किल हालात में लोगों की और कारोबारियों की पूरी मदद कर रही हैं। अब आपने चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रखा है, तो कम से कम फिजिकल कॉन्टैक्ट के साथ में ये कारोबार बढ़ता है, और इस वजह से आपकी कंपनी ने बहुत शानदार ग्रोथ पिछले सालों में दिखाई भी है। तो इस वक्त क्या दिक्कत क्या हो रही है, आपके जो सप्लायर्स हैं या जो यूजर्स हैं, क्या उनका कारोबार थमा हुआ है, वो इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है, या आपके अपने लोग कलेक्शन के लिए नहीं जा पा रहे हैं, वो इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है? तो दो तीन बातें हैं। एक तो मार्केट में अचानक से जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, मेडिकल एसेंशियल कमोडिटीज, उनकी डिमांड इतनी तेजी से बढ़ गई है अपरा तफरी से कि लोगों को, एक एक सप्लायर को 10-10 हजार कॉलें आ रही हैं महीने में, हफ्ते में, और वो उसको कैटर नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हमारा पूरा ऑफिस एक तरफ को लगा हुआ है कि किसी तरह से इस पैंडेमिक से होने वाले कमी का, मेडिकल के सामान की कमी की जरूरत को किसी तरह से पूरा किया जाए, और दूसरी तरफ जिनके पास इंक्वायरीज हैं वो इतनी ज्यादा है कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जितने भी जो बिजनेसेस थे, जो फैशन टाइप के या और हाउस होल्ड टाइप के, उन सारे बिजनेसेस पे एकदम से ठप्पा आ गया है, क्योंकि या तो लॉकडाउन है या लोगों को अभी होश ही नहीं है उन सब चीजों की तरफ करने का, तो उनके कैश फ्लोज काफी स्ट्रेच हैं और वो लोग शायद अभी कोई पैसा दे नहीं सकते। तीसरी बात, हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज और बहुत सारे उनके फैमिली मेंबर्स, वो लोग भी इस पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, और ऐसे समय में कलेक्शन की तरफ तो ऑब्वियसली दबाव पड़ेगा ही, सेल्स की तरफ भी दबाव पड़ेगा ही। ओके,
तो जाहिर तौर पे पेंडेमिक का असर तो हम सभी के ऊपर है, लेकिन अग्रवाल साहब जैसे आपने कहा कि सुरक्षित रहना प्रायोरिटी है और लेट्स होप कि हम जल्दी इससे बाहर निकलेंगे। जिस तरह से तमाम प्रोजेक्शंस आ रहे हैं कि मई के महीने में ये वेव सबसाइड होना शुरू करेगी, फिर आपसे विस्तार से आगे चर्चा होगी सर। जैसे ये अपटिक्स बननी शुरू होंगी, अगले नतीजे का इंतजार नहीं करेंगे, उसके पहले ही आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी धन्यवाद। तो ये फिलहाल आपके सामने इंडिया मार्ट का चार्ट, अल्पेश जी जरा इस चार्ट पे नजर डालिए, क्या कॉल देते हैं आप? प्रदीप देखिए, इंडिया मार्ट में मैं समझता हूँ कि जब तक ये स्टॉक 7,800 के नीचे नहीं क्लोज होता है तब तक मैं समझता हूँ कि इसके अंदर आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे 7,600 का भी एक बेस है। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि जैसे ही ये स्टॉक 8,900 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर मुझे लगता है कि फिर वो देखने को मिल सकती है और ये 9,000 से 9,500 की रेंज तक जाने के लिए पूरा सक्षम हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल आपको यहाँ खरीदारी का मौका मिल रहा है, ये राय आपके लिए आती हुई। चूंकि हम बात करें टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज की, अल्पेश जी मुझे याद आया पिछले